अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम रुख हवाओं का जिधर का है उधर के अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम देखो डॉक्टर ये शादी है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। जल्दबाजी में ऐसा कोई भी कदम मत लेना जिसे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। ऐसे थोड़ी चलता है, जरा सा झगड़ा हुआ मूड ऑफ हो गया तो बस तुम्हें डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? शादी को चलाने में बहुत कुछ डालना पड़ता है, बहुत कुछ देना पड़ता है भाई। मेरे हिसाब से शादी जो है पूरे भरोसे का खेल होता है। Do you understand? तो तुम्हें वो शर्ट पसंद आई? हाँ, इनफैक्ट गायत्री को बहुत पसंद आई। तुमने उसे बताया? नहीं। उसने पूछा जरूर होगा। हाँ, लेकिन मैं टाल गया। गुड मॉर्निंग। हाय गीता। हाय। एक बात तो बता, ये नया बॉस तू क्या जानती थी इसको पहले से? हाँ क्यों? नहीं यूं ही एक-एक घंटा आप अंदर बातें जो करते रहते हो। तो? नहीं मैं नहीं, सारा स्टाफ कल बातें कर रहा था, मैंने ही तो चुप करवाया है सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज ऑफिस क्या तू इसी के साथ आई थी? हाँ बाबा। इसी के कार में? तो क्या हुआ? नहीं नहीं ये सब लोग बातें कर रहे थे। करते हैं तो करने दो, और अगली बार अगर तुमसे पूछेंगे ना तो कह देना कि अजय मेरा पड़ोसी था। ऑफिस में मेरा कलीग भी था और मेरे हस्बैंड का बचपन का दोस्त भी है। अच्छा। मेरे ख्याल से उन्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बाकी रही उनकी गंदी नजर और जबान, वो उनकी बदनसीबी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आपको अजय साहब ने अंदर बुलाया। अजय? कौन अजय? अरे वो मेरा दोस्त नहीं था? क्या मैं रहता था, तुम आया करती थी। हाँ हाँ वो अजय। हाँ हाँ तो वो आया हुआ है आजकल, और पता है कैसे? गायत्री की ऑफिस में गायत्री का बॉस बनकर। हाय ऑफिस में देखे? नहीं नहीं आई तो टाइम पर थी, पर वो बैठा है ना अंदर। कौन? अजय। वो ऐसी तो अंदर तक पहुंच गए? वो अंदर और आप बाहर, कहीं अंदर बात बात पक्की नहीं हो रही है ना? चल रे। क्या हुआ शिवानी? नहीं नहीं बस यूं ही। कैसा है वो? अच्छा है, कल हमारे साथ ही था, हम लोग डिनर के लिए गए थे। कौन कौन? मैं अजय और गायत्री। अजय ने शादी की? नहीं, और पता है क्यों? वो किसी लड़की को बहुत प्यार करता था और उसकी कहीं और शादी हो गई, अब उसके गम में ये शादी नहीं करेगा। वो लड़की कौन थी उसने कुछ बताया? वो बता देता तो पता तो चलता कि कौन है, हम भी जाकर देख लेते उसे। शिवानी कहीं मैं तुमसे तो प्यार नहीं करता था?
उसको मेरे और तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से पता था। किसी और को ही चाहता होगा। क्या कहीं वो गायत्री को तो नहीं चाहता था और मुझे पता ही नहीं? तुम लोग ही थे उसके आसपास? नहीं, वो गायत्री को नहीं जा सकता। खैर वो जो भी हो, वो कहता है वो उसे प्यार ही नहीं करती थी, वो किसी और को चाहती थी। देखो डॉक्टर, कई बार क्या होता है कि इंसान एक दूसरे से प्यार तो बहुत करता है, लेकिन फिर भी एक अजीब सा स्टैटिक रिलेशनशिप बन जाता है दोनों के बीच। एक ठहराव सा आ जाता है जिंदगी में, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती, और फिर दोनों कुछ और खोजने कहीं ना कहीं निकल पड़ते हैं। पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ डॉक्टर। शायद उसके साथ ऐसा हुआ। तुमने कभी पता करने की कोशिश की? नहीं डॉक्टर, पर कभी कभी मुझे लगता है कि उसकी जिंदगी में कहीं कोई और है। हो सकता है, लेकिन उसका भी हल होता है डॉक्टर। पहले तो ये सोचकर चलना चाहिए कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खुद अपनी सोच का शिकार बन जाते हैं, और अगर ऐसा होगा तो उसका सामना तुम्हें खुद ही को करना पड़ेगा, लेकिन उसका हल निकल जाएगा। देखो जय, लोग तो 10 बातें करेंगे, कुछ लोगों के पास काम बहुत होता है और वक्त कम, और कुछ लोगों के पास वक्त बहुत होता है और काम कम। वो रोजगार होते हुए भी खुद को बेरोजगारी बनाते हैं। तुम इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। नहीं गायत्री, तकलीफ इसलिए होती है कि वो तुम्हारा नाम भी लेते हैं। और कुछ नहीं है गायत्री, हम लोग इतने सालों के बाद मिले हैं आपस में, जो वो लोग नहीं जानते। बस मन होता है कि सबके बारे में जाने, इतने सालों में क्या हुआ, कैसे हुआ, बस और कुछ नहीं। खैर मुझे भी तुम्हें इस तरह केबिन में बार बार नहीं बुलाना चाहिए। एनीवे, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, फॉरगेट इट। रोहित, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो इंसान एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते, लेकिन एक की शादी कहीं और हो जाए और दूसरा शादी ही ना करे? क्या कभी लोग दुनिया में इतना प्यार कर सकते हैं एक दूसरे से? बिल्कुल शिवानी, अजय को देख लो, नहीं की ना उसने शादी अब तक। नहीं रोहित, लेकिन वो लड़की उससे प्यार नहीं करती थी ना। अगर वो उसे प्यार करती और उसकी शादी कहीं और हो जाती तो तब तो ये आदमी अपनी जान ही दे देता। फिर वो लड़की कहीं और शादी करती क्यों शिवानी? अगर वो अजय से इतना प्यार करती तो। कभी कभी हो जाता है रोहित, मजबूरियां होती हैं, हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि मजबूरियों और हालातों की आड़ सिर्फ एक के लिए क्यों शिवानी? सो डॉक्टर, गियर अप एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स।
और एक बात, प्रॉब्लम्स हमेशा काम करने से, उन्हें सॉल्व करने से दूर होते हैं। उन पर बातें करने से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स पर और जंग लग जाता है। तो जाओ एंड टेक चार्ज। और एक बात, जाते जाते 3-4 शॉट्स मल्टीविटामिन्स के ले लेना, सब ठीक हो जाएगा। राइट डॉक्टर, थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अरे अविनाश भाई साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कैसे आना हुआ? भाई यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा तुमसे मिलता हो। चलो फैंटास्टिक, ओह कम साइड। ओके ओके। अरे विगी तू? अरे क्या है यार, तुझे मिलने आ गया ऐसे ही यार। अच्छा किया। क्या अच्छा किया यार, घंटे बजे तेरा वेट कर रहा हूँ, जैसे किसी को मालूम ही नहीं तू कहाँ है, ना तेरे असिस्टेंट को ना तेरे घर वालों को। यार छोटे छोटे काम होते हैं, अचानक आ जाते हैं विगी। तेरा कोई खास काम है? अरे नहीं यार, इस एरिया में आया था कुछ पेमेंट लेने, तो पेमेंट वाले ने कहा कि सर आप 1 घंटे बाद आइए। अब रकम बड़ी थी, मैंने सोचा प्यून को क्या भेजूँ, खुद ही चला जाता हूँ। टाइम पास करना था, शिवानी का ऑफिस गया, शिवानी नहीं मिली, तेरे यहाँ आया, तू नहीं मिला। अब बैठ। क्या पिएगा बोल, चाय ठंडा? चाय चलेगी यार। चली गणेश। शिवानी अब ये रोज का सिलसिला हो गया है, एकाध दो रोज की बात होती तो शायद मैं नजरअंदाज कर भी लेता, मगर अब तुम रोज लेट आती, कभी लंच में बाहर चली जाती हो तो लौट कर आती नहीं, या फिर आती हो तो बहुत लेट। देखो मैं तुम्हें कोई वार्निंग या कोई चेतावनी नहीं दे रहा हूं, बड़ा होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे स्टाफ में उनमें से हो जिन्होंने हमेशा अपने काम को अहमियत दी है, काम को आगे रखा है, और अचानक उसे ही सबसे पीछे हटा दिया है। मैं जानता हूं इसकी जरूर कोई वजह होगी, क्या ये तुम जानती भी होगी, मगर इसका असर अपने काम पर मत पड़ने दो, बस इतना ही कहना है मुझे। I'm really sorry, sir. आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। शिवानी क्या कहा सर ने, बहुत नाराज थे क्या? बहुत टाटा ना तुमको? पूजा प्लीज तुम अपनी जगह पर जाकर बैठोगी, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, प्लीज लीव मी अलोन, वरना मैं ऐसा कुछ कह दूंगी जो मैं नहीं चाहती। मैं तुम तो काटने को आ रही हो। ओके हेलो। हाय बेबी। अविनाश बोलो। व्हाट्स द मैटर शिवानी, तुम कुछ अपसेट सी लग रही हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखो शिवानी, अगर कुछ मामला ज्यादा गंभीर है मैं वहां आ सकता हूँ, सबको ठीक कर लूंगा मैं। अविनाश प्लीज वुड यू लेट मी बी माई सेल्फ फॉर 20 मिनट्स, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। नहीं मैं तुम्हें फोन करूंगा, फिलहाल यहाँ बात तो करो। कौन है? अरे बात तो करो। अविनाश प्लीज बाद में। एक मिनट शिवानी, जस्ट होल्ड ऑन। ओके हेलो भैया। क्यों भाई, ना दुआ ना सलाम, और ये तुम गुम कहाँ हो गई हो? यही हूँ। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बाद में फोन करूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि काफी दिन हो जाते हैं, देखो अगर 1-2 दिन में तुम्हारा प्रोग्राम बनता है तो। हाँ देखती हूँ। ओके बेटे। ओके भैया। कुछ परेशान लग रही थी। वो तो होगी ना, अगर परेशानी खुद मोल लेगी तो ये सब कुछ तो होगा। पर विगी हो सकता है कोई और परेशानी हो, तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते है? रोहित, मैं शिवानी को तुझसे पहले से जानता हूं, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। वो दुनिया से कोई बात छुपाए तो छुपाए, लेकिन उसने मुझसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई।
कोई बात नहीं। जब पहली बार उसे रोहित अच्छा लगा था तो उसने ये बात गायत्री से नहीं कही बल्कि मुझसे कही। सबसे पहले रोहित, शिवानी अगर कोई बात मुझसे छुपाए ना पकड़ी जाती है, जैसे इन दिनों। देख रही, मैं ये सब नहीं जानता कि वो तुझसे क्या छुपा रही है क्या नहीं, लेकिन तू उससे कुछ मत छुपा, खुलकर पूछ लेना उससे। हो सकता है तेरा वहम। 6 साल रोहित, 6 साल मैंने उसे ऑफिस से लिया है और ऑफिस छोड़ा है। जानता है वो मुझे अपना लाइफ ड्राइवर कहती थी, कहती थी कि विकी अगर तुम ना होते तो मैं ऑफिस नहीं ज्वाइन करती, क्योंकि ये ट्रेन और ऑटो में ट्रैवल करना मुझे अच्छा नहीं लगता। और आज आज उसे मेरी जरूरत ही नहीं। घर जाता हूं तो वो जा चुकी होती है, कहती है ऑफिस में बहुत काम है। जानते हो आजकल वो ऑफिस 11 बजे पहुंचती है, फिर शाम को लेने जाओ, फिर कोई नई कहानी। रोहित, हर इंसान में थोड़ी बहुत समझ तो होती है, थोड़ी बहुत। लोग बात ना करें, नजरअंदाज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लोग समझते नहीं हैं। रोहित, अविनाश बहुत अच्छा इंसान है। और पर विकी, तू ये सब मुझे क्यों बता रहे? Why are you telling me all this? मेरा इसमें क्या लेना देना? सॉरी यार, मुझे ये बात तुमसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन बातों से तेरा कोई लेना देना नहीं है। पर क्या करूं, शिवानी बहुत अच्छी दोस्त है, उसकी जिंदगी के बारे में बात करते करते मैं शायद बह गया था। चलता हूँ यार, चलता हूँ। चले अरे गायत्री, हाउ आर यू? अरे अविनाश, तुम कैसे हो? आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गायत्री, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अविनाश, ये अजय है, हमारे पड़ोसी हुआ करते थे और रोहित के दोस्त भी हैं। Nice meeting you. Same here. ये अविनाश, शिवानी के हस्बैंड। अच्छा अच्छा। और भैया, आप तो इन्हें? मैं कैसे भूल सकता हूँ, हमारे ही मोहल्ले में रहते थे। मैं सब कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग तो हमारे घर आओगे कभी नहीं? देखो, या तो आप लोग हमारे घर आ जाइएगा या तो फिर हम दोनों आ जाते हैं, कहो मंजूर है? आप लोग ही पहले आ जाना। ठीक है, हम आ जाते हैं, पर खाना जरा अच्छा बनाना क्योंकि मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि आप बहुत अच्छा खाना बना भी लेते हैं। अच्छा,
ये बात कैसे फैल गई? जरूर शिवानी ने फैलाई होगी, है ना? वही बताया करती थी आपके बारे में। देखो इस बार आप अपने हाथों से बनाकर हमें खिलाइएगा, और जब आप दोनों हमारे घर आओगे तो मैं खाना पकाऊंगा। क्यों? ओके। याद है गायत्री, जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी तो मैंने तुम्हें शिवानी समझकर गलती से वो पीला फूल दिया था, याद है? याद है। अब की बारी गलती नहीं होगी, क्योंकि इस बार मैं दो पीले फूल लाऊंगा, एक तुम्हारे लिए और एक रोहित के लिए, ताकि वो खूब तरक्की करे। वो हमेशा कहता था ना कि मैं अपना नाम आसमान में लिखना चाहता हूँ, तो ये फूल उसकी शुभकामनाएं के लिए होगी। एनीवे, वी मीट। अच्छा। ओके। ओके। दिस वीक। ओके। बाय। सी यू। बाय। अविनाश कहाँ मिल गया तुम्हें? अजय और मैं लंच करने गए थे, वहां पर अविनाश और शिवानी के भैया भी आए थे। भैया ने तुमसे कुछ कहा? नहीं तो? ठीक से बात की? हाँ हाँ, बहुत प्यार से मिले। और अविनाश ने क्या कहा? देखो शिवानी, जो कुछ तुम दोनों के बीच था वो था, अब है तो नहीं ना। और फिर इतना अरसा बीत गया है, तुम्हारा अपना संसार है, रोहित का अपना संसार है। समझदार और जिम्मेदार लोग हैं हम शिवानी, अच्छे लोग हैं हम। और अब जब दिल में कुछ रहा ही नहीं, अब क्या? दिलों में तो पहले से ही कोई मैल नहीं थी। शिवानी, चाहे हम उनके घर जाए या नहीं, या हम उन्हें ना भी बुलाए, लेकिन एक बात तो तय है कि रोहित और गायत्री के लिए मेरे मन में बेहद इज्जत है। और यह बात तुम भी जानते हो कि मैं रोहित को हमेशा से पसंद करता था।